इट डिपेंड्स यार, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है सीज़न टू, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया है। सीज़न वन के बारे में भी यही था। बाय द वे, अभी जस्ट पता चला है मुझे कि सेक्रेट गेम सीज़न वन को एमी नॉमिनेशन मिला है। इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया एंड आई एम रियली रियली ग्लैड एंड हैप्पी फॉर इट। तो यू फॉर दैट। और सीज़न टू अच्छा लगना है ना लगना की अलग बात है, मुझे अच्छा लगा। मिक्स्ड रिएक्शंस होती रहती है हर काम के लिए, बट आई थिंक वी शुड बी हैप्पी कि हमारे यहाँ पे अभी इस तरह का कंटेंट बन रहा है और इस तरीके से हम किरदार को देख रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। या ऑफ कोर्स, मतलब मेरा जो किरदार था सुभद्रा, तर सुभद्रासाठी तर लोकांनी खूप चांगले रिॲक्शन्स दिलेले आहे, लोकांना आवडलं आहे ते। म्हणजे मला आजही कुठे गेले की मला खरवसचा सीन म्हणून मला बोलवलं जातं, त्यामुळे मला असं वाटतं की रिॲक्शन्स चांगली आहे, किरदार चांगले होते आणि असे शोज बनावे ज्याच्यामध्ये खूप काम केलं जावं। मला हे म्हणायचं आहे की हे लोकं खूप काम करतात स्क्रिप्टवर, तसं काम जर सगळ्या ओ टी टी प्लॅटफॉर्ममधल्यांनी केलं तर चांगले शोज बाहेर येतील, नाहीतर खूप खराबही शोज बाहेर येतात अनफॉर्च्युनेटली। पण वी नीड टू वर्क ऑन दी कॉन्टेंट अँड द स्क्रिप्ट प्रॉपरली। मेरा अभी एक फिल्म है आदिल हुसैन के साथ, उसका नाम है निर्वाणा एन, जो अभी जस्ट पता चला है मुझे रिसेंटली, वो भूसान में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो मैं आई एम एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म। देन आई डिड अ फिल्म विथ विजय राज, विजय राज को जानते हैं आप लोग? हाँ, विजय राज, तो उसका नाम है कानपुरी है, वो भी अभी जस्ट शूट ख़त्म किया है मैंने। और मैंने एक अमेजोन प्राइम का शो किया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो कॉल्ड गवर्नमेंट, तो वो भी अभी ख़त्म किया है। तो और उसके अलावा मैं एक NGO चलाती हूँ नभांगन फाउंडेशन नाम से, जो एक दुष्काळग्रस्त गाव आहे औरंगाबादच्या जवळ, त्याच्यावर 5 वर्षापासून काम करते। तर आता आम्ही तिथे एक शाळा बनवतो आहे लहान मुलांसाठी, प्रायमरी स्कूल आहे, तर त्या शाळेचं काम कम्प्लीट होतं आहे। म्हणजे मला आजकाल कोणी विचारतं की काय चाललं आहे आयुष्यात, काय करते आहे, मी म्हणते आता सध्या टॉयलेट चालू आहे, मी टॉयलेट बांधते गाव माझ्या शाळेमध्ये, सो दॅट्स व्हॉट हॅपनिंग।